मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट जिगर त्रिवेदी। आज है डे 5 गुजरात का। हम अभी निकले लिलिया से द्वारका की ओर। रास्ते में 3-4 हॉल्ट है। 3 रिलेटिव के घर पे जाना है और एक हमारे कुल देवी है हर्षद मियानी करके, वहाँ पे जाना है। सो स्टे ट्यून। के विलेज है उसमें, तो ये विलेज के अंदर का कैसा घर है वो देखिए आप। आजू बाजू छोटा सा विलेज है और बनाया बहुत अच्छा घर देखिए आप। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लासा, वो भी इतना सा ही विलेज है, छोटा सा। अभी जस्ट हम पहुंचे लासा। इंगोराड़ा से खाली 16 किलोमीटर अभी था, ज़्यादा लंबा नहीं है। और ये भी वही सेम विलेज जैसा ही है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे इस वीडियो में। ठीक है, इसे आके घर देखिए, प्रॉपर एक विलेज ही है लासा। और यहाँ का गेट्स, घर के गेट्स देखिए, पुराने टाइप के गेट्स हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बोलते हैं ना, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, भले धूप है तो भी। अभी फिलहाल गर्मी नहीं लग रही, ठंडी हवा ही चल रही है। Thank you.
5 बजे शाम के, और अभी हम आए एक गांव है, गांव नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है पूरा, ये गिर का जंगल है, उसमें एक फार्म हाउस है, उसमें आए रिलेटिव के वहाँ पे, और हम अभी पूरा जंगल के एग्जैक्ट सेंटर ही बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट समझ लो कि मैंने मेन रोड छोड़ा था, उसके बाद 6 किलोमीटर में अंदर आया हूँ फॉरेस्ट के अंदर। मैं आपको यहाँ का आजू बाजू का लोकेशन बताता हूँ, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उन्होंने यहाँ पे खुद का ये खेती बाड़ी का पूरा बनाया हुआ है, यहाँ पे सब वो खाने पीने का सामान उगाते हैं यहाँ पे। और सामने आप देख सकते हो ये पूरा फॉरेस्ट है, पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया। और ये उन्होंने फार्म हाउस अपना फार्म हाउस जैसा बनाया है, बहुत प्यारा सा लोकेशन है। और रात को यहाँ पे शेर भी आते हैं, हम तो आज रात नहीं रुक रहे, नहीं तो आपको ये दिखाते हम कि शेर आते हैं कि नहीं आते, पर यहाँ पे रात को इनके वहाँ पे शेर भी आता है। और प्लस एक दो दिन पहले तो मॉर्निंग में ही आ गए थे, सुबह सुबह ही आ गए थे शेर। ये पूरा उन्होंने अपना छोटा सा फार्म हाउस जैसा बनाया है। और यहाँ पे गाय रखी उन्होंने, उनकी खुद की है। लोकेशन देखिए गाइस, अभी हम थोड़ा और अंदर जा रहे हैं जंगल के रास्ते पे, देखते हैं थोड़ा डिस्कवर करते हैं क्या है क्या नहीं यहाँ पे। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, ये तार को टच करने से करंट मारता है, हल्का सा करंट है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज वो जंगली जानवरों की वजह से रखना पड़ता है, नहीं तो ये खेत पूरे नुकसान कर देंगे इसकी वजह से। थोड़ा और अंदर जा रहे, अभी उन्होंने बोला तो है कि अभी फ़िलहाल के लिए सेफ है, पर जानवर है पता नहीं कभी कहाँ से भी आ सकते हैं, तो थोड़ा अपने आप से केयर करना अच्छी बात है। पूरा जंगल ही जंगल है ये, तो उन्होंने खुद का पर्सनल ही यहाँ पे खुद का खेतर और सब बनाया हुआ है, और वो बोलते हैं ना गुजराती में वाड़ी जैसा, उन्होंने खुद बनाया हुआ है गुजरात के अंदर ही, और ये प्रॉपर जंगल के बीच में है, समझ ही सकते हो हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर आना जंगल वाले रास्ते में। और अभी उन्होंने बोला भी है कि शाम होते होते शेर आने चालू हो जाते इस साइड, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे अभी, मैं आपको पूरा 360 व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, ज़्यादा अंदर नहीं जाके हम रिटर्न हो गए अभी फ़िलहाल, क्योंकि फिर ज़्यादा अंदर जाना उससे अच्छा बेटर ऑप्शन रिटर्न बैक चले जाए। ये आगे थोड़ा आगे लेके जा सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी किसी का घर या तो कुछ तो बनाया हुआ है यहाँ पे भी, ये पूरा वाड़ी उनका ही है स्टार्ट टू एंड तक, और आप जग देख सकते हो रास्ते, देखो कैसे पूरा जंगली, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक पास होता है, ये दो वायर ज्वाइंट हुए आपको दिख रहा रहेगा, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर, पिंक रेड कलर का वायर है उससे इलेक्ट्रिक आता है, और ये येलो कलर है जो अर्थिंग के लिए है, मतलब वो जंगली जानवर आके खेत बर्बाद ना कर सके उसके लिए और कुछ नहीं। सो यहाँ से हम रिवर्स आते हैं वापस फार्म हाउस की ओर, आप देखो यार इस लोकेशन देखो, उन लोग यहाँ पे ही रहते हैं, उन लोग अभी बातें कर रहे थे हम, तो उन्होंने बोला कि एवरी डे मॉर्निंग और नाइट में तो आते ही आते हैं, और इवनिंग में कभी कभार आ जाते हैं, तो अभी शाम का टाइम ही हो रहा है, ऑलमोस्ट 5 के ऊपर ही हो गया शायद से, तो अभी फिलहाल
इवनिंग का ही टाइम है तो थोड़ा केयर करना अच्छी बात है। आजू बाजू देखते देखते चलते रहो। वापस हम जा रहे हैं वही फार्म हाउस के, वहां से ब्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं आगे एक मियानी करके गांव है, वहाँ पे हमारी कुल की देवी है, वो अटेंड करके वहाँ पे दर्शन करके फिर आगे जाएंगे हम पोरबंदर द्वारका। सो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। द्वारका भी दर्शन आज नहीं होगा, कल ट्राई करेंगे दर्शन दिखाने का, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा दर्शन का भी। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। लोकेशन देखिए गाइस, गाइस अभी आप जस्ट मैं फॉरेस्ट के बीच में ही हूँ। मैं आपको एक लोकेशन पे रुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ क्या लोकेशन है। एक सेकंड रुकिए, चालू रखिए। पूरी ये नदी है और उसके सराउंडिंग ये जंगल है। ये हम यही रास्ते से अभी रिटर्न आ रहे हैं, पूरा जंगली रास्ता है और हम लोग यहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं वापस, अभी जाके जा रहे पोरबंदर साइड। देखते हैं रात को हम कहाँ पे रुकेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 3 घंटा लेट चल रहे हैं। ये अब रास्ते से हम आए वापस और ये पूरा जंगल ही है और ये रास्ते से हम जा रहे हैं वापस। गुड इवनिंग गाइस, रात के बजे है 11 और हम पहुँचे हैं पोरबंदर। हम इससे आगे नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी बहुत था और थोड़ा लेट भी हो गए थे निकलते निकलते। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।